बेटी को बेच दिए जाने का तहा सुनने वाली मेधावी छात्रा की कहानी, डॉक्टर बन कैसे बनी मिसाल, जानिए सफलता की कहानी। विपरीत परिस्थितियों में कभी हालात से समझौता कर कीर्ति मिश्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आज वह डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का काम कर रही हैं। संघर्ष भरी जिंदगी से सफलता के इस मुकाम तक डॉक्टर कीर्ति को पहुंचाने में मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए संचालित हेल्प स्टार कैंपेन ने मदद की। खुद डॉक्टर कीर्ति कहती हैं कि एनबीटी ने न सिर्फ उनके सपने को साकार किया बल्कि उन्हें कुछ कर दिखाने की जिद लिए बैठे सैकड़ों छात्र छात्राओं की संघर्ष भरी कहानियां सुनाकर मनोबल बढ़ाने का मंत्र दिया, जिसे आत्मसात कर मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। आगे ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। कीर्ति के 10वीं में 92.8% अंक दरअसल पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली कीर्ति ने 10वीं में 92.8% अंक हासिल किया था। 12वीं पास कर कीर्ति ने नीट में 1244वां रैंक हासिल किया और महाराष्ट्र के धुले जिला स्थित प्रतिष्ठित श्री भाऊ साहब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2018 में दाखिला लिया। बीते दिनों को याद कर जब कभी हौसला टूटने लगता है तो आने वाले दिनों को याद कर उसको और मजबूत करने में जुट जाती हूँ ताकि कभी किसी कीर्ति को खुदकुशी नहीं करनी पड़े। एनबीटी ने अपनी बेटी की तरह सम्मान दिया जिसके लिए हम एनबीटी परिवार का सदैव ऋणी रहेंगे। माता पिता, दोस्तों और गोयल सर जैसे लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाने में मेरी मदद की है। अब एमडी की पढ़ाई पूरी कर गरीबों की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। एमबीबीएस में दाखिला लेना नहीं था आसान। हालांकि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना ठाणे जिले के माझीवाड़ा इलाके की रहने वाली कीर्ति के लिए इतना आसान नहीं था। खुद कीर्ति कहती है कि ऑटो रिक्शा चालक पिता सर्वजीत मिश्रा नहीं चाहते थे कि बेटी घर से इतनी दूर पड़े। इसके दो कारण थे। पहला कि वे लोगों से सुने थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं जो उनके पास नहीं था। दूसरी, क्या अनपढ़ी जो बेटी को बेचने जा रहा है। बेटी की बातों की तस्दीक तीन बेटियां और दो बेटों की माँ कंचन मिश्रा भी करती हैं। अड़ोसी पड़ोसी सब ताने मारते थे। कीर्ति की माँ कंचन बताती हैं कि जिसके घर में खाने के लाले पड़े हों वे बच्चों की नॉर्मल पढ़ाई तो करा नहीं पाता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से करा पाएगा। नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब ताने मारते थे। कीर्ति की स्कूल फीस को माफ कराने के किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़े। एक नगर सेवक ने तो फीस माफ करने के बदले तीन तीन बेटियां होने का ताना मारा था। गरीब लोगों के लिए बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना आज भी आसान नहीं है। आर्थिक स्थिति वैसे ही बदतर है, बस एनबीटी और समाज के सहयोग से बेटी आज डॉक्टर बन गई। इसकी बेहद खुशी है। मेरे भी हालात बदल जाएंगे ये उम्मीद है।